सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए पार्ट टू वाला वीडियो ला चुका हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट वन वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक देखा नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो ये रहा Realme 12 Pro Plus 5G और आज की इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आप सभी के साथ इसी फोन के टॉप 20 प्लस न्यू हिडन फीचर्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग से होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ और एक बात शेयर करना चाहता हूं। इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट फीचर की बात करूं जिसका नेम आता है फ्लोटिंग विंडोज। फ्लोटिंग विंडोज़ का मतलब यह है, अगर आप अपने फोन के अंदर किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडोज़ पर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम उस ऐप को ओपन करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से उस ऐप को फ्लोटिंग विंडोज़ पर ऐड कर लेना है। जैसे आप उस ऐप को फ्लोटिंग विंडोज़ पर ऐड करोगे तो आपके सामने जो है मिनी स्क्रीन पर वो वाला जो ऐप है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली उस ऐप को यूज़ कर सकते हो। इसका एक बेनिफिट ये है, अगर आप फ्लोटिंग विंडोज़ को यूज़ करते हुए कोई अदर ऐप को यूज़ करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ्लोटिंग विंडोज़ पर व्हाट्सअप मैंने ओपन किया, अगर मैं सेम टाइम अपने फोन पर YouTube को ऑन कर लेते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने फोन पर WhatsApp को यूज करते हुए YouTube भी इजीली यहाँ पर प्ले कर सकते हूँ। तो इसके एक बेनिफिट ये है कि फ्लोटिंग विंडोज को यूज करते हुए आप अपने फोन पर वन टाइम दोनों ऐप को एक साथ यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है हाइड कंटेंट। हाइड कंटेंट का मतलब ये है, कई बार हम अपने फोन पर बहुत सारे ऐप्स के यूज़ करते हैं, उसके बाद जैसे हम अपने फोन के मल्टीटास्किंग को ओपन करते हैं तो हमने जो जो ऐप्स यूज़ किए हैं वो सभी ऐप्स जो हमें यहाँ पर ओपनली शो हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप, यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर वीडमेट, वो सब कुछ मेरे फोन पर ओपनली शो हो रहे हैं। अगर आप इन सभी को हाइड करना चाहते हो तो आपके यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करके आपके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जिसका नेम आता है हाइड कंटेंट। जैसे आप हाइड कंटेंट पर हाइड कर देते हो तो आपको यहाँ पर फेसबुक, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही हाइड हो चुका है। इस तरह से व्हाट्सअप का भी आता है, व्हाट्सअप पर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको हाइड कंटेंट कर देना है। उसके बाद जब भी आप यहाँ पर किसी भी ऐप को यूज़ करते हुए मल्टीटास्किंग पर जाते हो तो आपको उन सभी जो ऐप्स है वो आपको हाइड वाले देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। जब भी आपको वापस से अनहाइड करना हो 3 डॉट पर क्लिक करके आपको शो कंटेंट पर क्लिक कर देना, वापस से आपका जहाँ पर मल्टीटास्किंग वाला कंटेंट है वो आपका शो हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने मल्टीटास्किंग वाला यहाँ पर जो कंटेंट है उसको हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर। इसका मतलब यह है, जैसे आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर ओ टाइप करते हो तो आपको जो कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाता है। जैसे आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर भी टाइप करते हो तो आपका जो फोन का फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। दोबारा भी टाइप करने पर आपका फोन का जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर आप अपने फोन के अंदर इस फीचर को इनेबल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली ऑन कर लेना अपना फोन का सेटिंग, फिर आप यहाँ पर चले जाना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पर आने के बाद आपके यहाँ पर मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन, इसको क्लिक कर लो। फर्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इसको क्लिक कर लो। देन आप यहाँ पर जितने भी फंक्शन शो होता है ये सभी को आपको एक एक करके इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी आप अपने फोन पर लॉक स्क्रीन पर ओ टाइप करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। वी टाइप करने पर आपका टॉर्च लाइट ओपन हो जाता है, दोबारा वी टाइप करने पर आपका टॉर्च लाइट मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। देन आपको नीचे में और भी 3 ऑप्शन हो जाता है। आप जो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन नीचे में सोते हैं आप इसको मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो जब भी आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर एम टाइप करते हो तो आपको एम टाइप करने पर आप कौन सा फंक्शन को इनेबल करना चाहते हो, आप इसको क्लिक करके आप यहाँ से जो है पर मतलब किसी भी ऐप के यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऐप, आप जब भी आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर एम टाइप करते हो तो आपके यहाँ पर कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए, आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको नीचे में 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप मैनुअली भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है स्क्रीन टाइम विडगेट। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन में मैंने यहाँ पर लगभग 5 घंटे अपने फोन का यूज़ कर लिया है। अगर आप भी अपने फोन को दिन भर में कितने घंटे यूज़ करते हो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो आप मेरे फोन के जैसे एक विडगेट सेट कर सकते हो। इस विडगेट को सेट करने के लिए अपने मतलब होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके पड़ेगा, देन आपको विडगेट पर चले जाना है। अब जैसे ही विडगेट पर चले जाते हो तो आपको नीचे में थोड़ा सा स्वैप अप करना पड़ेगा, देन आपको नीचे में आपके यहां पर शो हो जाएगा स्क्रीन टाइम विडगेट। आपको ये वाला जो विडगेट है आपको इसको क्लिक कर लेना, इसको क्लिक करने के बाद आप इसको डन पर क्लिक कर देना। आप जैसे ही डन पर क्लिक करते हो तो आपके जो फोन पर ये वाला विडगेट सेट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो आज के दिन में मैंने ऑलरेडी 5 घंटे 3 मिनट मैंने यूज कर लिया है। जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो आप अपने फोन पर कौन सा ऐप को कितने घंटे यूज किए हो वो सब कुछ आपके यहां पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने आज के दिन पर YouTube 3 घंटे 4 मिनट यूज किया, फोन को यहाँ पर 26 मिनट, फ्लिपकार्ट 23 मिनट। इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर जोन सा ऐप को जितने घंटे यूज करते हो वो सब कुछ आप यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो।
तो नेक्स्ट फीचर आता है डायनेमिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड का जो फीचर है ये आपको कुछ लिमिटेड एप्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो अगर आप अपने फोन के अंदर सिस्टम रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो, उसके बाद जैसे आप बैक आ जाते हो तो आपके यहाँ पर फोन के ऊपर के साइड में डायनेमिक आइलैंड जैसे पॉपअप सा आइकन बन के शो हो जाता है। जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपके फोन पर डायनेमिक आइलैंड के जैसा एक पॉपअप सा बनकर आ जाता है। आप इसके यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको मतलब वन टाइम क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप उस ऐप के अंदर एक्सेस कर जाते हो। इसी तरह से आप डायनेमिक आइलैंड का यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो है कुछ लिमिटेड एप्स के लिए होते हैं। अगर आपको फुल डायनेमिक आइलैंड को अपने फोन पर अप्लाई करना है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड आपके यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो, देन अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है ऐप नेम चेंज। अगर आप अपने फोन के अंदर किसी भी ऐप का नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाओगे। जिस ऐप का नेम को आपको चेंज करना है बस आपको उस ऐप को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, देन आपके यहाँ पर एडिट वाला आइकन मिलेगा, इसको क्लिक कर लो, देन आपका जो भी आपका ऐप का नेम है उसको आपको रिमूव कर देना। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर सेट करना चाहते हो बस आपको टाइपिंग करना है, देन आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने फोन का जो माई जियो है उसका नेम को मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो मेरे फोन का जो यहाँ पर माई जियो का नेम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आप इसी तरह से अपने फोन पर किसी भी ऐप का नेम को चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है इनलार्ज फोल्डर एंड श्रिंक फोल्डर। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन के अंदर ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है। जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है जिसका नाम आता है इनलार्ज फोल्डर। इसको क्लिक करने पर मेरा जो फोन का फोल्डर है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी ऐप को वन टाइम क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली उस ऐप को एक्सेस कर सकता हूँ। दोबारा जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है जिसका नाम आता है श्रिंक फोल्डर। इसको वापस से श्रिंक फोल्डर पर क्लिक करने पर मेरा जो फोन का फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफॉल्ट में जो वहाँ पर स्मॉल था ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर श्रिंक फोल्डर एंड इनलार्ज फोल्डर का भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है डुअल मोड ऑडियो। डुअल मोड ऑडियो को इनेबल करने के लिए अपना फोन का सेटिंग ओपन करना है। नीचे के साइड में आपको रियलमी लैब का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने डुअल मोड ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा। इसका एक्चुअल में यूज ये है, अगर आप अपने फोन पर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कोई भी मल्टीमीडिया ऐप को यूज करते हो, अगर आप सेम टाइम अपने फोन पर हेडफोन कनेक्ट करते हो तो जो आप अपने फोन पर मल्टीमीडिया यूज करते हो आपको सेम टाइम ब्लूटूथ एंड हेडफोन दोनों पर एक ही मतलब साउंड प्ले हो जाएगा। जो मतलब ये जो फीचर है अभी के टाइम पर बहुत सारे फोन पर आने लगा है, लेकिन जो पहले वाले फोन आते थे पहले के फोन पर आपको ये सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसे में आप अपने फोन के अंदर डुअल मोड ऑडियो का भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है प्राइवेट सेव। अगर आपके फोन पर कुछ ऐसा फोटो एंड वीडियो है जो आप हाइड रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा कोई भी बंदा उस फोटो एंड वीडियो को देख ना पाए तो आप अपने फोन पर फोटो एंड वीडियो को भी हाइड कर सकते हो। सिंपली इसके लिए अपने फोन का एल्बम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिन जिन फोटो एंड वीडियो को आपको हाइड करना हो बस आपको फर्स्ट टाइम उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन हो जाएगा सेट एज प्राइवेट, बस आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके फोन से ऑटोमेटिकली उन सारे फोटो एंड वीडियो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन के एल्बम के अंदर वो सारा फोटो वीडियो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। वापस से हाइड की हुई फोटो एंड वीडियो को चेकआउट करने के लिए अपने एल्बम के अंदर थ्री ऑप्शंस होता है नीचे के साइड में, बस आपको इसी में से किसी भी एक को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था उसको आपको एंटर करना है, ठीक है। तब यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिंगरप्रिंट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसके एल्बम के अंदर आपने जो भी फोटो एंड वीडियो आपने हाइड किया था वो सब कुछ आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। वापस से इन सभी फोटो एंड वीडियो को अनहाइड करने के लिए आपको थ्री डॉट मिलता है, इसको क्लिक कर लो, आपको एडिट पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको जिन जिन फोटो एंड वीडियो को आपको वापस से अनहाइड करना हो पब्लिश करना हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में शो हो जाएगा सेट एज पब्लिक, इसको क्लिक करके आपके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन पर जो भी फोटो एंड वीडियो था आपका वापस से पब्लिश हो जाएगा, वापस से आपके फोन के एल्बम पर शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर आता है रैम एक्सपेंशन। रैम एक्सपेंशन को इनेबल करने के लिए अपना फोन का सेटिंग ओपन कर लेना। अबाउट डिवाइस पर जाने के बाद आपको चले जाना है रैम। अब यहाँ पर देखो अगर आपके फोन पर 8GB रैम है तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8GB रैम इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके फोन पर 12GB रैम है तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 12GB रैम इंक्रीज कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे फोन के अंदर 12GB रैम है तो मुझे यहाँ पर 12GB ऑप्शन का शो हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक बार फर्स्ट टाइम इस ऑप्शन को इनेबल करना है रैम एक्सपेंशन। इनेबल करने के बाद आपको अपने फोन पर एक बार रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो फोन का रैम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर आता है वॉलपेपर एंड स्टाइल सेटिंग। इसको इनेबल करने के लिए अपना फोन का सेटिंग ओपन कर लेना, देन आपके यहाँ पर शो हो जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। इसको क्लिक करने के बाद इस पेज के अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट आता है वॉलपेपर। वॉलपेपर के अंदर आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर एंड बहुत सारे आपको स्टॉक वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से सेट करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप अपने फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस सेटिंग के अंदर आकर के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपके यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा मोर डिस्प्ले सेटिंग। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चले जाना है इन्फो पर, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर टाइम, डेट, बैटरी एंड नोटिफिकेशन ये सब कुछ आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको ये सब कुछ इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपके फोन
फोन के लॉक स्क्रीन पर यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ये सब कुछ नोटिफिकेशन आपके पर इन्फॉर्मेशन से होता रहेगा। देन अब नेक्स्ट सेटिंग आते हैं नीचे के साइड में, बहुत सारा आपके यहाँ पर जो है मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, मतलब फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो बीट ओमोजी, कैनवास मोड, कस्टम पैटर्न, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एंड इमेज, बहुत सारा आपके यहाँ पर ओमोजी के नाम से भी बहुत सारा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नीचे में और भी बहुत सारा ऑप्शन आता है जैसे कि कार्बन फुट एंड होमलैंड लाइट, आपके यहाँ पर डिजिटल क्लॉक के नाम से बहुत कुछ फीचर आपके यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप जितना ज्यादा इसको कस्टमाइज करोगे उतना ज्यादा आप कस्टमाइज कर सकते हो मैनुअली, ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है थीम। अगर आप अपने फोन पर न्यू थीम को ऐड करना चाहते हो, डाउनलोड करके यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉन्ट। अगर आप अपने फोन का फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, वो भी आपको बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पर डिफरेंट टाइप का स्टाइल देखने को मिल जाता है, आपको जो भी बेटर लगता है चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइकन। अगर आप अपने फोन के यहाँ पर जितने भी आपके एप्लीकेशन आइकन है उन सभी का अगर आपको आइकन को चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। बस आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से यहाँ पर आइकन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो फोन पर है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कलर। अगर आप अपने फोन के यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का कलर एंड आपका सेटिंग यूआई का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो वो भी आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको कलर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चले जाना है, आपको इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टमाइज वाला ऑप्शन आएगा, आपको जो भी यहाँ पर कलर आपको बेटर लगता है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो एंड आप इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्विक सेटिंग। अगर आप क्विक सेटिंग के अंदर आके अगर आपका जो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, अगर आप कंट्रोल सेंटर का इन सभी का आइकन को चेंज करना चाहते हो वो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आपको सिक्स डिजिटल मतलब डिफरेंट टाइप का कोई स्टाइल देखने को मिल जाएगा, आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। अगर आप अपने फोन पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन का यूज करते हो तो ऐसे में आपके ऊपर बहुत सारा न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है, आपको बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के स्टाइल देखने को मिलता है, जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से सेट करो देन इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने फोन पर एक्स्ट्रा कुछ मतलब अलग टाइप का न्यू एनिमेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ईडीजी लाइटिंग। अगर आपको ईडीजी लाइटिंग की इनेबल करना है अपने फोन पर, जब भी आपके फोन पर किसी का नोटिफिकेशन आता है और ऐसे में आपका स्क्रीन ऑफ रहता है तो ऐसे में आप यहां पर थ्री डिफरेंट टाइप का नोटिफिकेशन लाइटिंग देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे में एक ऑप्शन आता है जिसका नाम आता है ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल, यानी जब भी आपके फोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो इनकमिंग कॉल के टाइम भी आपके ऊपर ईडीजी लाइटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आपको अगर आप अपनी इनकमिंग कॉल के टाइम ईडीजी लाइटिंग इनेबल करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आते हैं हमारे फोन के प्राइवेसी को लेकर के। अगर आप अपने फोन पर किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो या फिर किसी भी ऐप पर अगर आपको लॉक लगाना हो तो इसके लिए आपको चले जाना अपना फोन का सेटिंग, नीचे में आपको शो हो जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसको क्लिक कर दो। देन आपको नीचे में ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप लॉक एंड ऐप हाइड। अगर आपको किसी भी ऐप को लॉक करना है तो आपको चले जाना ऐप लॉक पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, सिक्स डिजिट आपके ऊपर पासवर्ड सेट करना है। आप जैसे ही पासवर्ड सेट करते हो तो आपके यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक, इसको आपको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपको जिन जिन ऐप को लॉक करना हो आपको सिंपली इन सभी को इनेबल कर देना, ठीक है, एक एक करके आपको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपके फोन के अंदर उन सभी ऐप के अंदर आपको लॉक हो जाएगा यानी पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप उन सारे ऐप को ऑन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो आप यहां से अपने फोन पर किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है ऐप हाइड। अगर आपको किसी भी ऐप को हाइड करना हो तो आपको हाइड करने के लिए आपको फाइनली थोड़ा सा बैक आना है, देन आपके यहां पर शो हो जाएगा हाइड ऐप। इसको क्लिक करने के बाद आपके यहां पर जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था उसको आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप एंटर कर देते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसके नाम आता है एक्सेस कोड। आप यहां पर अपने फोन पर किसी भी ऐप को हाइड करने के लिए आप यहां पर फर्स्ट एक्सेस कोड को एंटर करना पड़ेगा। एक्सेस कोड को एंटर कैसे करना है इसके लिए आपको फर्स्ट आपको हैश डायल करना है। हैश डायल करने के बाद आपको कोई भी यहाँ पर फोर डिजिट का कोई भी आपको नंबर डायल करना है, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी फोर डिजिट का नंबर डायल कर देना। फिर आपके यहाँ पर लास्ट में आपको हैश टाइप करना है। जिससे हैश टाइप करते हो तो आप यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक कर दो, फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक्सेस कोड है वो आपका सेट हो चुका है, ठीक है। अब आपको जितने भी ऐप को हाइड करना है आप इजीली हाइड कर सकते हो। आपको जिन जिन ऐप को हाइड करना है बस आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करके इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपको फाइनली आ जाना है बैक। जिन जिन ऐप को आपने इनेबल किया वो सभी ऐप आपका जो फोन से हाइड हो गया आपको कहीं पर भी शो नहीं होगा। हाइड किए हुए ऐप्स को चेकआउट करने के लिए अपने फोन का डायलर को ओपन करना है। डायलर को ओपन करने के बाद जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड मैंने एक्सेस कोड को सेंड किया था मतलब ऐड किया था उसको आपको यहाँ पर डायल करना है। मैंने जो यहाँ पर एक्सेस कोड को सेट किया था वो मैं एंटर कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे फोन के अंदर जो जो मैंने यहाँ पर ऐप को हाइड किया है वो सभी हिडन ऐप्स मुझे यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है होम स्क्रीन ड्राइवर चेंज। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन के अंदर जितने भी ऐप्स हैं वो सब कुछ मुझे
मुझे यहाँ पर ड्रावर वाला मोड पर शो हो जाते हैं। मेरे फोन पर जितने भी एप्स हैं वो सब कुछ मुझे यहाँ पर इन मतलब मेरे फोन का जो ड्रावर वाला मोड है उसके अंदर शो हो जाता है। ठीक है, अगर आप अपने फोन पर ड्रावर मोड वाला को चेंज करना चाहते हो, ड्रावर मोड को अगर आप स्टैंडर्ड मोड पर करना चाहते हो अपने होम स्क्रीन को, तो इसके लिए आपको चले जाना अपने फोन का सेटिंग, फिर आप यहाँ पर चले जाना होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो आपको सबसे ऊपर में शो हो जाएगा होम स्क्रीन मोड। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट में ड्रावर वाला मोड होता है, इसको आपको अनसिलेक्ट करके आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो आपका जो फोन का यहाँ पर ड्राइवर मोड है वो आपका नीचे में आपको जो भी लाइन बाई लाइन नीचे में शो होता है मतलब ड्राइवर वाला मोड वो आपका चेंज हो जाएगा, देन आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड वाला शो हो जाएगा। आपका जो भी जितने भी एप्स है वो सब कुछ आपको साइड बाई साइड यहाँ पर शो होने लगेगा। तो नेक्स्ट फीचर आते हैं ऑटो वॉलपेपर चेंज। अगर आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर ऑटो वॉलपेपर चेंज को इनेबल करना चाहते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी मैं अपने फोन को ऑन ऑफ करता हूँ तो मेरा जो फोन का लॉक स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज करता रहता है। अगर आप भी अपने फोन के अंदर ऑटो वॉलपेपर चेंज को इनेबल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चले जाना है सिंपल से अपने फोन का सेटिंग ऑन कर लो, फिर आपके यहाँ पर चले जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन हो जाएगा जिसका नेम आता है ग्लांस फॉर रियलमी। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर लेना है एक्टिव ऑन लॉक स्क्रीन। एक्टिव ऑन लॉक स्क्रीन पर जैसे इसको इनेबल करते हो तो आपको जहाँ पर ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज है ऑटोमेटिकली वो वाला सेटिंग आपको इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आपके फोन पर ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर है वो आपका चेंज होता रहेगा। इसी सेटिंग के अंदर और एक ऑप्शन आता है, अगर आप अपने फोन के अंदर आप कैटेगरी चूज करना चाहते हो तो आपको कैटेगरी चूज करने के लिए आपके यहाँ पर चले जाना है लैंग्वेज एंड कैटेगरीज। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है आपका आप अपने फोन के अंदर जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर चेंज होता है वो आप किस किस कैटेगरी पर रखना चाहते हो आप यहाँ पर देख सकते हो, गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट, बिजनेस, कॉमेडी, इसी तरह से आपको बहुत सारा जो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे, जो भी आपको बेटर लगता है अपने से फॉलो कर सकते हो। अगर आप जिसको अपने फ़ोन पर मतलब रखना नहीं चाहते आप यहाँ से उसको अनफॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद आपके जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट फीचर आता है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी मेरे फ़ोन के यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दो ऑप्शन शो होता है, वन साइड पर कैमरा शो होता है और वन साइड पर यहाँ पर ग्लांस फॉर रियलमी शो होता है। इसी का मतलब है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। अगर आप अपने फ़ोन पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को भी चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली चले जाना अपना फोन का सेटिंग, फिर आप यहाँ पर चले जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। नीचे में आप यहाँ पर शो हो जाएगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल असिस्टेंट को सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, आपके वन साइड कैमरा एंड वन साइड आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंट शो हो जाएगा। अगर आपको टॉर्च लाइट सेट करना है टॉर्च लाइट भी कर सकते हो, ग्लांस फॉर रियलमी QR कोड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसी तरह से आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, देन अपने फोन पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शंस। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी मैं अपने फोन का वॉल्यूम को डाउन करता हूँ तो मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मल्टीमीडिया वाला जहाँ पर मतलब साउंड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। अगर आप इसको मतलब फंक्शंस को चेंज करके रिंग मोड पर रखना चाहते हो तो सिंपली आपको इसके लिए चले जाना अपना फोन का सेटिंग, फिर आपके यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम बटन फंक्शन। अब जैसे ही वॉल्यूम सर्च करते हो तो आपको फर्स्ट में ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम बटन फंक्शन, इसको क्लिक कर लेना। देन आप यहाँ पर देख सकते हो बाय डिफॉल्ट पर आपका मीडिया भी रहता है मीडिया वॉल्यूम पर, तो आप यहाँ पर इसको रिमूव करके आपको रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। रिंग वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद जब भी आप बाय डिफॉल्ट पर अपने यहाँ पर वॉल्यूम को डाउन करोगे तो आपका जहाँ पर मतलब जो भी आपका मतलब रिंग मोड है आपका रिंग मोड डाउन होने लगेगा, आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। जिससे आप अपने फोन के यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो आपका यहाँ पर मतलब साइलेंट मोड है ऑटोमेटिकली रीमोड पर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर अपने फोन का जो वॉल्यूम बटन फंक्शंस है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है हेल्प एंड फीडबैक। इसके लिए आपको सिंपली अपना फोन का सेटिंग ओपन कर लेना, पूरे नीचे में आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा, बस इसको क्लिक कर लो। इसको क्लिक करने के बाद आपके फोन पर क्रोम ब्राउजर के अंदर जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको रियलमी से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से उसके रियलमी का हेल्प ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको कोई रियलमी केयर से प्रॉब्लम हो, वारंटी स्टेटस, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सेंटर, पिक एंड ड्रॉप, इसी तरह अगर आपको रियलमी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रियलमी से यहाँ से मदद ले सकते हो, ऑनलाइन से मदद ले सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर आता है शो सरफेस अपडेट। इसका मतलब ये है अगर आप फोन पर किसी के साथ प्रैंक करना चाहते हो, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली फ्रेंड या फिर किसी के साथ भी अगर आपको अपने फोन के अंदर प्रैंक करना हो तो ऐसे में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। इस चीज का आपको बिल्कुल भी मिसयूज मत करना वरना इसके जिम्मेदार खुद और खुद आप होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो फोन का यहाँ पर मतलब स्क्रीन है ऑटोमेटिकली पिंक कलर का लाइटिंग शो होता है और मेरे जो फोन का स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। अगर आपको इस सेटिंग को अपने फोन पर इनेबल करना है तो सिंपली आपको चले जाना
अपना फोन का सेटिंग, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है शो सरफेस अपडेट। जैसे आप यहाँ पर शो सरफेस अपडेट को क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इस सेटिंग को आपको जरूर से इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपका जो फोन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन कलर का लाइटिंग मतलब ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो फोन है या फिर किसी के भी फोन है आपको ऑफ करके रख देना है। उसके बाद जब भी वो बंदा अपने फोन को चेकआउट करेगा तो उसके सामने कुछ इस टाइप का मतलब पिंक कलर वाला लाइटिंग इशू शो हो जाएगा। ऐसे में वो ये समझने लगेगा उसका जो फोन का स्क्रीन है स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसे ही वो समझने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली उस फोन का जो यहाँ पर फोन का स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसका जो पिंक कलर का लाइटिंग है उसका बगाना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपका प्रैंक खत्म हो गया हो तो वापस से इसको डिसेबल जरूर कर देना वरना आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ठीक है, वापस इसको डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पर चले जाना है। आप वापस से इसको शो सरफेस अपडेट को डिसेबल कर देना है। हो सकता है कि आपके फोन पर ये वाला ट्रिक वर्क ना करे तो इसको आपको इनेबल करने के लिए आपका जो फोन का यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है आपको उसको इनेबल करना पड़ता है। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको चले जाना है अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस पर जाने के बाद आप यहाँ पर शो हो जाएगा वर्जन। वर्जन पर क्लिक करने के बाद आपको वर्जन पर आपको 7 टाइम कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे आप 7 टाइम कंटिन्यू प्रेस कर सको तो आपका जो फोन पर डेवलपर ऑप्शन है वो आपके इनेबल हो जाएगा। इनेबल करने के बाद आप यहाँ से इजीली सर्च करके यहाँ पर शो सरफेस अपडेट को एक्टिवेट कर सकते हो। लास्ट फीचर को बताने से पहले आप मुझे डेफिनेटली ये कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ताकि मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ला सकूं। और बाकी ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट फीचर आता है स्टॉप चार्जिंग 80%। इसके लिए आपको सिंपली चले जाना अपना फोन का सेटिंग इनेबल कर लेना, देन आपके यहाँ पर शो हो जाएगा बैटरी। आप जैसे ही बैटरी वाले सेटिंग पर आते हो तो आपके नीचे में एक ऑप्शन शो हो जाएगा स्टॉप चार्जिंग 80%। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, इसको इनेबल करने के बाद ये होगा जब भी आप अपने फोन को चार्ज से लगाते हो जैसे ही आपका फोन पर 80% चार्ज कंप्लीट हो जाएगा 80% के ऊपर आपका फोन चार्ज नहीं होगा। ऑटोमेटिकली 80% चार्ज होने के बाद आपका जो फोन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका फोन 80% के ऊपर चार्ज ना हो तो ऐसे में आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। अगर आपको 100% चार्ज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि 80% पे आपका ना रुके, आपका 100% चार्ज हो जाए तो ऐसे में आप इस फीचर को डिसेबल कर देना एंड स्मार्ट चार्जिंग का फीचर को आपको इनेबल कर लेना है। तो इसी तरह से आप अपने फोन के अंदर स्टॉप चार्जिंग 80% को भी इनेबल कर सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ इसी Realme 12 Pro Plus 5G के टॉप 20 प्लस न्यू हिडन फीचर शेयर किया। ये जो था पार्ट 2 था, पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। एंड अगर आप Realme 12 Pro Plus 5G का BGMI गेमिंग टेस्ट चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर रखा है। उन सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को कर देना लाइक एंड फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता हूँ किसी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।